देखिए आज एक इंटर स्टेट शराब तस्करी का एक गैंग वर्कआउट हुआ है क्राइम ब्रांच के द्वारा, जिसके अंदर में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 83 पेटी 83 पेटीज और लगभग 4000 बोतल के आसपास बरामद हुई है। ये लोग शराब तस्करी करते थे और बिहार ले जाकर वहाँ पर बेचते थे। इनसे जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में इन्होंने बताया कि इंदौर से ये लोग शराब लेकर आते थे थ्रू ट्रक, इलाहाबाद में किसी पॉइंट पर जाके अनलोडिंग होती थी और वहाँ से बनारस आते हुए बिहार के अंदर में तस्करी होती थी। इनसे पूछताछ पर काफ़ी अहम सूचनाएं मिली हैं। उन अहम सूचनाओं पर एक हमारी टीम इलाहाबाद, बिहार और हम लोग इंदौर भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जो भी शराब बरामद हुई है लगभग 4000 के आसपास बोतल है जो कि बरामद हुई है, और इन शराब का भी जो लैब में भेजा जाएगा और परीक्षण कराया जाएगा। कीमत कितनी होगी सर? इन शराब की टोटल कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास बाजारू कीमत आकी गई है। निसंदेह इसने क्राइम ब्रांच ने इस चीज़ को वर्कआउट करके अपने इंटेलिजेंस इनपुट से वर्कआउट करके बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया है। उस चीज़ के लिए SP क्राइम SOG प्रभारी श्री विक्रम सिंह ये सब बधाई के पात्र हैं। तरीका क्या? जैसा मैंने बताया कि ये पहले साउथ से वेस्ट इंडिया से सेंट्रल इंडिया से इलाहाबाद में थ्रू ट्रक लेकर आते थे। लाने के बाद में इलाहाबाद में से यहाँ पर ये लोग अपनी हिंडई कार जो कि अभी बरामद भी हुई है उसके अंदर में पैक करके लेकर आते थे, और उस हिंडई कार के अंदर में कभी बाहर कोई अखबार लगा लिया करते थे या फिर कोई कोई आइटम जिससे कि अंदर का पोर्शन दिखाई न दे वो लगा के हिंडई कार के अंदर में ले जाया करते थे। इनके पास से एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ है जो कि इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि अगर कहीं पर पुलिस मिलती है खास के देहात के एरिया के अंदर में, चूँकि ये मेन रास्ता कभी कभी अपनाते हैं, कभी कभी ये साइड वाला रास्ता भी अपनाते हैं, तो साइड वाले रास्ते के अंदर में कहीं अगर पुलिस या कोई इनको इंटरफेयर करे इस मामले के अंदर में तो ये असला का भी उपयोग करते हैं। बेसिक मोडस ऑपरेंडी ही ये है कि ये लोग एक आदमी इनका आगे आगे चलता है और ये देखता है कि कहीं आगे की तरफ कोई चेकिंग तो नहीं लग रखी है, अगर चेकिंग लग रखी है तो वो पीछे मैसेज दे देते हैं और गाड़ी वहीं पर वेट करती है, और वेट करने के बाद में जब वो रास्ता क्लियर हो जाता है तब वो आगे निकलते हैं, नहीं तो वो दूसरा रास्ता लेने का अख्तियार करते हैं। हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है जनपद पुलिस है, ये लोग हम लोग शराब किसी भी प्रकार की तस्करी चाहे वो शराब हो चाहे पशु हो उनकी तस्करी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस की कार्रवाई के अंदर में यहाँ पर शराब की कई खेप बरामद हुई है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा कि इसको इस नेटवर्क को तोड़ा जाए।